Hi everybody. Very happy to be here today. I'm meeting a really interesting, very young girl. And there's a purpose to this conversation which will be revealed by and by. So say hi to Vrinda. She's from Bastar in Chhattisgarh. And moving on to the conversation now. Hi Vrinda. Hello. Hi. So Vrinda, tell us a bit about yourself. Aap kahan se hai and what brings you to Pune? Okay, so I'm from Chhattisgarh, Bastar, Jagdalpur, basically. And मैं एक joint family में रहती हूँ और मैं बड़ी अच्छी normal life जी रही हूँ बस्तर में भी. और अभी मैंने अपना 12th इसी साल complete किया है और मैं पुणे आई हूँ इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए. Fantastic, welcome to Pune. Thank you. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे 1 month हुआ है और मुझे इतना excited हूँ मैं इधर और explore करने के लिए और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. Fantastic. बस्तर बहुत प्यारी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है और वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम प्लीजेंट पीसफुल है. वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट लाइट्स है, बहुत डरते हैं लोग वहाँ आने से, बट ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे बहुत सेफ है और जो नेक्स्ट लाइट्स का मेन जो रहता है, जो भी उनका अटैक्स एंड ऑल, वो गवर्नमेंट के खिलाफ रहता है. वो नॉर्मल पीपल को कुछ हार्म नहीं पहुँचाते हैं, ना उनका कोई इंटेंशन रहता है ऐसा कुछ करने का. सो एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन बस्तर, यू आर सेइंग कि आपको कभी ये फियर भी नहीं लगा एंड इट्स परफेक्टली सेफ फॉर पीपल? या कभी नहीं. और ऐसा भी नहीं कि हम रात को कहीं बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं रहता. हम एक एक दो दो बजे तक भी बाहर रहते हैं विद माई फैमिली. हम तीन तीन चार चार बजे तक भी रहते हैं बिकॉज मेरे को अकेले बाहर रात को अलाउड नहीं है. या सो इट्स वेरी सेफ एट नाइट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इज देयर. राइट. सो आपका पार्टिंग मैसेज क्या होगा, मतलब जो लोग अभी भी थोड़ा सा डर रहे हैं और बस्तर जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन somehow उनको ये लगता है कि वी डोंट नो. जान सबको प्यारी होती है, सो सबको ऐसे लगता है, बट आपको देख के ये नहीं लगता कि बस्तर अनसेफ जगह है, बिकॉज यू लुक लाइक अ परफेक्टली नॉर्मल टीनेजर लाइक फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. सो व्हाट वुड बी योर पार्टिंग मैसेज? बस्तर को नेचुरल चीज़ों से इतने अच्छे से भगवान जी ने नवाजा है ना. वहाँ पे आप जाइए, एक बार उसकी ब्यूटी को देखिए, आप उसको छोड़ के आने का आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा. वो इतनी प्यारी जगह है बस्तर, वहाँ के ट्राइबल्स इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं सारे. आपको बिल्कुल नेक्स्ट लाइट्स और इसकी दिक्कत करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप एक बार सोचिए कि एक बार जाके तो देखें हम. आप एक बार आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. फैंटास्टिक वृंदा, थैंक यू सो मच, यू टुक आउट द टाइम टू टॉक टू मी. यू आर वेलकम. थैंक यू. सो गाइस, सी यू गॉट द चांस टू लिसन टू वृंदा एंड व्हाट शी स्पोक अबाउट बस्तर एंड हाउ नॉर्मल द एरिया इज, how completely regular in so many ways except for its beauty and of course its people. And that's one of the reasons why we are promoting Bastar, because we believe that this hidden part of India needs to be discovered by more people. You need to come and see how fellow Indians live, which is so different from the way we live. The tribals are truly connected to their land and it's actually incredible India. So if you are looking for Bastar holidays, you know how to get in touch with us. Bye-bye.